जीएन भारत, जन जन तक। कांग्रेस का केंद्र सरकार के महंगाई के खिलाफ जन जागरण अभियान। प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने वर्तमान केंद्र में भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर भड़ास निकाला। जन जागरण अभियान के तहत झारखंड सरकार के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख, विधायक बंधु तिर्की, अध्यक्ष राजेश ठाकुर पहुंचे गुमला के घाघरा प्रखंड। नमस्कार, मैं हूं दिव्या रानी और आप देख रहे हैं जीएन भारत। बढ़ती महंगाई और कृषि कानून के खिलाफ कांग्रेस के जन जागरण अभियान झारखंड के सभी जिलों में चलाया जा रहा है। इस मौके पर झारखंड सरकार के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख, मांडर विधायक बंधु तिर्की व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, प्रदेश प्रवक्ता शिव कुमार भगत टुनटुन पद यात्रा के दौरान घाघरा पहुंचे। इसी दौरान चपका गांव से पैदल आते हुए चांदनी चौक पहुंचे बादल पत्रलेख ने कहा, महंगाई के खिलाफ लड़ेगा हिंदुस्तान नारा के तहत पूरे झारखंड प्रदेश में प्रदेश के जनताओं को केंद्र सरकार महंगाई के खिलाफ लोगों को जागरूक करना है। आज हर एक वर्ग महंगाई से परेशान है, पूरी तरह त्रस्त है। रोजमर्रा जिंदगी जीने के लिए आम लोग जदोजहद कर रहे हैं। भारत की जो निकम्मी सरकार है, जो नरेंद्र मोदी तानाशाह की सरकार है, उसको हम लोग 2024 के चुनाव में नेस्तनाबूद कर देंगे, खत्म कर देंगे। उस अभियान के साथ निकले हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय अध्यक्षा आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, आर पी एन सिंह जी का स्पष्ट निर्देश है कि लोगों में आक्रोश है केंद्र सरकार के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, बेटियों के साथ हो रहे बलात्कार के खिलाफ, दलितों पर हो रहे, आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ। तो उन सारी चीज़ों को लेकर के आप जनता के बीच जाइए और जन जागरण चलाइए। हम लोगों ने जन जागरण की शुरुआत कर दी है और जो हम 5 जिलों में घूम के आ रहे हैं उससे ये लगता है कि लोगों में काफ़ी आक्रोश है। उस आक्रोश को समेटने की ज़रूरत है और उस आक्रोश को समेटने में हम कामयाब हो रहे हैं आप सबों के सहयोग से। मेरा कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं से निवेदन है और जो कांग्रेस पार्टी के नेता उनसे निवेदन है कि आप लोग अपने गली मोहल्लों को लो पंचायत बूथ स्तर तक जा करके लोगों के घर घर जा करके ये बताने का काम करें कि किस तरह से मोदी सरकार ने पूरे देश को ठगने का काम किया। आज जो कार्यक्रम का मकसद है उसके बारे में हम बताना चाहते हैं कि महंगाई से हर कोई परिवार पीड़ित है, चाहे सेठ जी हो, चाहे सेठ जी के यहाँ काम करने वाले कामगार हो, चाहे नौकरी पैसा के लोग हो, चाहे मीडिया के बंधु हो, चाहे नौजवान हो, पढ़ने वाले छात्र हो, किसान हो, आम इंसान हो, और साथ ही जिनको संविधान पे भरोसा है, उन लोग सबको आज सोचने की जरूरत है कि विगत लगातार 2 कार्यकाल जो हमने NDA को केंद्र में दिया, उसने हमको कहां से कहां तक ला के पहुंचाया। घाघरा में रहते हैं, ज्यादा दिन नहीं हुआ, आप यहां से रांची आज से 5 साल पहले कितने किराए में जाते थे, आज कितना किराए में जाते हैं आपसे हम पूछना चाहते हैं। रेलवे का भाड़ा बढ़ गया, टेम्पो से गुंडा चल गया तो भाड़ा बढ़ गया है, बस में चढ़ो तो वो बढ़ गया तुम्हारा, डीजल पेट्रोल। बात को समझना,
और यहाँ पर जो कर इस देश को पक्षी समरसता जो तुम्हारा यहाँ पर जो हमारा जो यहाँ पर जो जमहूरियत कितना तुम्हारा मजबूत है लोकतंत्र में जो राहुल गांधी जी आर पी एम सिंह ये देश एक कांग्रेस पार्टी चला सकता है। आज आपको मैं इतना बात जरूर कहूंगा कि महंगाई को बढ़ दिया है, आप हमारे जो ये जो सारे चीजों को आप गांव गांव में जा करके बताए, लोगों को समझाए कि यही सरकार पूंजीपतियों की सरकार जिस तरह से गरीब को आपको कर रहा है और शिक्षा का पालन गरीब के बच्चों के लिए शिक्षा पाना बहुत आसान नहीं होगा बताए। साथ में हम कहना चाहेंगे कि आप सभी लोगों को कि आपको इसलिए इस जो हमारा कम्प्लेंट छपा है इस कम्प्लेंट को आप गाँव गाँव पहुँचाए, महंगाई के बारे में लोगों को बताए। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें जीएन भारत के साथ। धन्यवाद।